नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं एडिटर्स शो। लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर आ चुका है और लगातार सियासी पारा बढ़ रहा है। जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है, दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरे चरण में, पहले चरण में हमने देखा मंगल सूत्र पर सियासत, संपत्ति पर सियासत, तीसरा चरण आते आते ये सियासत पहुंच चुकी है, आरक्षण पर सियासत पहुंच चुकी है, साथ ही साथ और भी कई सारे मुद्दे हैं। खास मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देते हैं। गणेश साकल्ले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरमन नगेले हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंकज पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका। सतीश इलिया, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आखिर किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदलाव और कितना बदला है ये चुनाव? इसके पहले के दो चुनावों के बरक्स हमको देखना पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के दावे के साथ चुनाव मैदान में हैं। 2014 का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था, जो यूपीए की 10 साल का कार्यकाल था, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश था और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के मैदान में थी। तो एंटी इनकम्बेंसी के सहारे वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त ढंग से जीता था। 2019 का जो चुनाव था वो प्रो इनकम्बेंसी पर था। नरेंद्र मोदी के कामकाज को जनता का आशीर्वाद मिला और खासकर पुलवामा जो घटना हुई थी उसके बैकड्रॉप में वो चुनाव हुआ था। तो एक बार 2014 से भी ज्यादा बम्पर उनको जीत मिली और लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब जब तीसरी बार वो चुनाव में जा रहे हैं और मुकाबला वही यूपीए तो अब नहीं है, लेकिन एक नया अलायंस बना है जिसको इंडिया अलायंस कहा गया, उसको इंडिया कहते हैं, उसके और एनडीए के बीच में है। तो समीकरण बदल गया है दोनों तरफ और मुद्दे वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जो मोदी जी का 2019 में नारा था वो अब मतदान कम होने से पहले चरण में, दूसरे चरण में आके वो बदलता दिख रहा है। अब आरक्षण की बात आ रही है, हिंदू मुसलमान की बात आ रही है और सैम पित्रोदा ने, जो इनके ओवरसीज के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो मुद्दा उठा दिया कि अमेरिका के तीन राज्यों में एक कानून है कि जब कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसकी 55% जो संपत्ति है वो चली जाती है सरकार के पास, तो भारत को विचार करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और हिंदू मुसलमान की अब बात हो रही है। मतदान का प्रतिशत कम हुआ है दोनों चरणों में, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसका एक आशय यह भी हो सकता है कि जो जीत का बड़ा बड़ा मार्जिन 2019 में लेकर आई थी बीजेपी, वो कहीं कम हो जाएगा। और जहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेक्स्ट है, एक से ज्यादा प्रत्याशी है, या उत्तर प्रदेश की कई सीटें जहां बसपा भी बहुत ताकत से खड़ी है, या मध्य प्रदेश का रीवा सतना है, वहां नतीजा बदल भी सकता है। तो ये 2019 का जो माहौल था या 2014 का माहौल था उससे एक तरह से भिन्न माहौल है। 2019 के लेवल पे तो खड़ी है भाजपा, लेकिन माहौल 2019 जैसा नहीं है, क्योंकि पुलवामा जैसा कोई बड़ा मुद्दा उनके फेवर में अभी नहीं है। हो सकता आगे के चरणों में कोई नया मुद्दा सामने आए। आरक्षण, संविधान, मंगल सूत्र, संपत्ति, कई सारे मुद्दे हैं पर वोटर सुस्त है, क्यों है? मुझको ऐसा लगता है कि इस बार की जो गर्मियां हैं ये बड़ी अद्भुत हैं, इस दृष्टि से कि इसमें पानी भी गिर रहा है, 400 डिग्री पे तापमान भी जा रहा है और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें जो है सफोकेशन, उसमें उमस भी काफी हो रही है। तो ये जो उमस है इसके कारण जो कठिनाइयां पैदा हो रही है मतदाता, और दूसरे शादियों का भी माहौल है, सैकड़ों की संख्या में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में शादियां हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मतदाता का रुझान जो है वो कम दिखाई दे रहा है मतदान के प्रति। तो मुझको लगता है कि मतदान प्रभावित, दो चरणों के मतदान इससे प्रभावित हुए हैं। बहुत ज्यादा मतदान अगर होता है तो जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा होता है, लाखों में होता है, और जब मतदान का प्रतिशत कम होता है तो हार जीत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हार जीत का अंतर कम हो जाता है। गर्मी का फैक्टर और बढ़ने वाला है अभी, तो ये देखने की बात है कि इसमें क्या क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जे की मुद्दा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। वाकई क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है इतना? क्योंकि पिछले चुनावों में भले हमने देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, मोदी फैक्टर खूब काम किया, लाडली बहना का फैक्टर खूब काम किया, राशन का फैक्टर भी काम किया। क्या वाकई इन लोकसभा चुनावों में ये लहर कहीं दिख रही है या डगमगाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पस्त है और मतदाता सुस्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि मतदाता सुस्त होता तो जो अपने जो उनकी दैनिक कार्य होते, क्या वो कर नहीं रहे हैं? सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि ये राजनीतिक दलों की उदासीनता
और मतदाता को जिस तरह की उन्होंने लत लगाई है कि उनके घर से मतदाता को वो पोलिंग बूथ तक ले जाने का जो अभियान चलाते थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो है ना इस बार थोड़ी उदासीनता रही है। उनका नेटवर्क काम नहीं किया, कहां गया उनके पन्ना प्रमुख, कहां गया उनका डिजिटल संगठन और कहां गया उनके कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता जो मतदाता को निकालते थे। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 22 जनवरी 2024 से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो नैरेटिव सेट किया था, उसके बाद से 370 को कनेक्ट करने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर से, इसके बाद जो उन्होंने ओबीसी के लोगों को साधने का काम किया था, कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न देने के बाद और नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के बाद, वो सारी की सारी चीजें इस चुनाव सेकंड फेज के चुनाव तक आते आते धरी रह गई हैं। तभी उनको जो है ना मंगल सूत्र पर और एक वर्ग विशेष को टारगेट करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ स्पष्ट कहना है कि मुद्दे इस चुनाव में पूरी तरीके से गायब होते जा रहे हैं। सेकंड फेज में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सेम पत्रोदा, उन्होंने जो विषय उठाया है उसको मुद्दा बनाने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है मंगल सूत्र की। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी पद की मर्यादा के अनुकूल नैतिक बात किए बिना वो ऐसी बात कर रहे हैं जो मतदाताओं के लिए, देश के लिए उचित नहीं है। उनको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप अपनी विचारधारा की बात कीजिए, आप अपनी घोषणा पत्र की बात कीजिए, आप नीतिगत बात कीजिए, आप देशव्यापी बात कीजिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए, क्योंकि आपने संविधान में शपथ जो ली है वो आपको सभी धर्मों के सम्मान करने की और सभी जातियों की, सभी वर्गों की रक्षा करने के लिए। एक दूसरा, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो पूरी तरीके से असंसदीय है, उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के समक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं जो कतई देश का मतदाता स्वीकार नहीं करता। लेकिन अभी देखना यह है कि ये 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि 44% मतदाता भारत का ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये दोनों राजनीतिक दल क्या कोई भी राजनीतिक दल उनका कोई काम आने वाला नहीं है, और 12% मतदाता ऐसा है जो ये कहता है कि हमको जो फ्लेक्चुअल वोटर है वो किसके पक्ष में जाते हैं उस पर, क्योंकि दोनों का लगभग 27-28 के लगभग मतदान प्रतिशत रह गया है। कांग्रेस को लेकर के बयानबाजी की गई कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश खत्म हो जाएगा, या कांग्रेस कहती है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो देश खत्म हो जाएगा, किस तरह देखते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस पूरे देश में एकमात्र राजनीतिक दल था, लेकिन धीरे धीरे लगभग वो सब दलों से कम होता चला जा रहा है, और अब संसद में उसकी ये स्थिति भी नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष को बना सके। 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। तो मोटे तौर पर जो नीतियों की बात है और मुद्दे उठाने की बात है, इस पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि इस समय चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट करेंगे, कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त चुनाव के केंद्र में हैं। कुछ बातें ऐसी रही हैं, संविधान में भी रही हैं और कांग्रेस की कार्यशैली में भी ऐसी रही हैं, जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थी। प्रधानमंत्री ने उन चीजों को आगे उठाया है। कहने के लिए तो हम सेकुलर हैं, लेकिन हमारे संविधान में प्रावधान तो धार्मिक है। भाई आप मुझे बताइए, अगर हम सेकुलर हैं तो अलग से हिंदू कोड बिल क्या कर रहा है, अलग से मुस्लिम पर्सनल क्या कर रहा है? ऊपर जिस तरीके से कर्नाटक सरकार ने 1993 से लेकर के, या विगत शायद में एक आध साल आगे पीछे होगा, ओबीसी का कोटा काट करके माइनॉरिटी को देने का जो काम किया, स्वाभाविक रूप से ऊपर जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार ने कहा था कि हम आएंगे तो मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाइयां लड़ी। तो ये जो कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर्षित किया, और मोटे तौर पर ये कुछ और बातें थी, उन्होंने जनता को विषय भी दिए हैं। अगर हम एक राष्ट्र हैं तो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग कानून क्यों? कश्मीर के लिए कानून अलग है, मिजोरम के लिए कानून अलग है, मध्य प्रदेश के लिए कानून अलग है, तो कुल मिलाकर फिर धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप क्यों? आप मुझे बताइए, चुनाव आ रहा है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने निर्णय क्या लिया? मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाया और वक्फ बोर्ड को, चर्च को उन्होंने अनुदान बढ़ाया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस की शैली में रही हैं, उसकी तरफ उन्होंने आकर्षित किया, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन हुआ पाकिस्तान को लेकर के, देश का बंटवारा होना चाहिए और तय हो गया, तो उसके बाद संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य क्यों है? क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे, संविधान सभा में पाकिस्तान का तो कोई योगदान था नहीं, वो तो ये जो संविधान सभा के निर्माण से लेकर के समय समय पर जो उन्होंने संशोधित किए हैं, जो वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दिए हैं,
इनकी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश की जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्रनायक को इस तरह की बातों को सामने लोगों के लाना चाहिए ताकि वो देखें कि कौन व्यक्ति है जो सामने क्या बात कर रहा है और उसके एजेंडे में क्या रहता है। वो फिर एक और आपको मतलब जो उनका निर्णय है आप मुझे बताइए, सीलिंग एक्ट लागू किया, तरकीब से कितने लोगों की आपने जमीन छीन ली, वो सोना कहाँ गया जो 1962 के युद्ध के बाद लोगों से इकट्ठा किया गया था, वो कुंटलों सोना था, वो सोने का कोई पता नहीं, वो कहाँ चला गया। तो मोटे तौर पर ये जो कुछ घटनाएं अतीत की ऐसी हैं जिनकी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने समाज का ध्यान आकर्षित किया है। गणेश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हिंदू फैक्टर या राम मंदिर फैक्टर तो चलिए काम कर ही रहा है, कितना काम कर रहा है, और क्या मुसलमान वाकई में संतुष्ट हैं इस सरकार से? क्या जो सहयोग उन्हें पार्टी से सरकार से मिलना चाहिए क्या वाकई मिल पा रहा है? राशन जो फ्री दिया है वो सभी को मिला है वो, है ना? और मुसलमानों में क्या भावना है ये आप खुद देख रहे होंगे टीवी पे कि उनमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है इस 10 सालों के अंदर। पहले वो ये मान के चलते थे, कांग्रेस ये मान के चलती थी कि मुसलमान उनका एक वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक की जो थ्योरी है वो अब पूरी तरह से एक ध्वस्त हो गई है। अब ये है कि मुसलमान जो है उसको ये समझ में आ गया है कि पहले डराया जाता था कि अगर बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को जो है वो जाके समुद्र में फेंक देगी या उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। तो ये जो परसेप्शन बना था या इस तरह का जो एक नैरेटिव बनाया गया था वो पूरी तरह से अब जो है वो ध्वस्त हो गया है। और मुसलमानों ने भी देख लिया, 10 साल मोदी का शासन देख लिया है, लगभग 20 साल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और अभी मोहन यादव का शासन देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश का जो एग्जांपल है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने जिस तरह से संभाला है मोर्चा, वहां पे कम्युनल राइट बिल्कुल ही नहीं हुए, तो उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस की जो पॉलिसी, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसी है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अपने हितों को साधने की है। तो मुसलमान अब जो है किसी एक पार्टी के भुलावे में आने वाला नहीं है, उनका वोट बैंक वो रहा नहीं है। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम महिलाओं में भी बड़ी जागरूकता आई है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 में अगर आपने कश्मीर में देखा हो तो कश्मीर में महिलाएं आगे निकल के इस बात को उठा रही हैं कि कश्मीर में किस तरह से विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद। फिर वहां पे डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है, वहां उनको जो महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि महबूबा खुद अकेली अलग थलग पड़ गई वहां पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जो आपने अभी बात कही कि देश के अंदर वोटिंग परसेंटेज घटने की बात हो या फिर ये हो कि भाई मुद्दों की बात हो, तो क्या है कि अपोजिशन कोई भी एक ऐसा मुद्दा पूरे देश भर में बना नहीं पाया सरकार के खिलाफ 10 साल में कि जिसको लेकर के वो पूरी जनता के सामने जाए। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस पिच पे खिलाना चाह रहे हैं उस पिच पे जो है विपक्ष खेल रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज घटने का कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ये दोनों का तीसरा चुनाव है, 14, 19 और फिर ये 24, तो एक लोगों में उदासीनता इस वजह से भी है कि वही जोड़ी है। और फिर क्या है कि जो यंग स्टार्स हैं या महिलाएं हैं, मौसम का एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ गया है। उस सिंचाई का रकबा बढ़ने के बाद क्या हुआ है कि अब 3 फसल यहाँ होने लगी है, तो तीसरी फसल अभी खेत में खड़ी हुई है मूंग की, जिसके लिए पानी चल रहा है, तो उसके लिए उस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज घटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक और चीज लग रही है कि मध्य प्रदेश में तो एक तरफा मामला है, तो बोले हम वोट देने जाए या नहीं जाए। जैसे एक कहावत है कि भाई एक राजा ने कहा कि सवेरे जो है वो सब लोग अपने अपने घर से एक गिलास दूध ला करके उसमें डालेंगे कढ़ाई में, तो सब ने कहा कि यार वो डाल देगा, वो डाल देगा, और सुबह मालूम पड़ा कि कढ़ाई खाली थी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि सबको लग रहा है एक तरफा मामला है, तो उन्होंने कहा अपने वोट देने से क्या होता है, जीत हार का अंतर थोड़ा कम ज्यादा होगा। तो एक मेरे को लगता है ये मुद्दा भी है। वाकई मध्यम वर्गीय को पूरी तरह से कुचल दिया गया है, परेशान कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मध्यम वर्ग को कुचला जा रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मध्यम वर्ग की उपेक्षा की जा रही है, और उनके जो हितों की योजनाएं हैं वो इनके हितों पे जो पिछले आजादी के बाद से ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और लगातार यह कहा जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इस देश में मात्र 2% लोग भी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, और जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनमें बहुत बड़ा वर्ग जो है इसी मध्यम वर्ग का होता है। कि सरकार इस पर इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि मध्यम वर्ग संगठित नहीं है,
ये सारे लोग अलग अलग जाति के अलग धर्मों के हैं और ये सब मध्य वर्ग में आते हैं। अब मेरा आह्वान है कि इस वर्ग को संगठित होना चाहिए। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है, उन पर क्यों नहीं जवाब दिया जाता? इसने ये बोल दिया तो उसने पलटवार कर दिया, आखिर क्यों ऐसा? कि राजनेताओं को ये लगने लगा, और ये सच्चाई भी है कि जो वो कुछ कहते हैं अगले दिन वो पूरे देश के 140 करोड़ जो जनसंख्या है वहां तक वो बात उनकी मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाती है और कार्यकर्ता पहुंचा देते हैं, इसलिए वो उन सारे बयानबाजियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो बयानबाजी जो है ना, वो बयानबाजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी नजर में रहती है, वो बात करते हैं। इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग ने जेपी नड्डा जी को और खड़गे जी को, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नोटिस जारी किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से टिप्पणियां की है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो इससे बचना चाहिए। अब ये जवाब देते हैं, जवाब देने के बाद क्या स्थिति बनती है? एक तरफ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को नोटिस नहीं दे रहे, दूसरी तरफ सुरजेवाला को नोटिस दे रहे, वो भी स्टार कैंपेनर है। ये भी कहा गया कि दिग्विजय के घर में जाकर अमित शाह, मतलब ये कहा गया कि आश्रित का जनाजा है, जरा घूम लिया जाए यहाँ पर, हाँ जरा धूम से निकले, हाँ धूम से निकले, ये था कि बहुत बड़ी मार्जिन से उनको हराना है। हाँ, तो आखिर किस तरह से इसे देखें? देखिए, एक शेर है, हमने जो भी गाली दी बच्चों की जुबान तक पहुंची, आपके शहर में तालीम कहाँ तक पहुंची? तो एक किस्म की होड़ है, कोई एक बात कहता है, कोई और उससे भी ज्यादा अप्रिय बात कहने की कोशिश करता है। हम लगातार पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो सबसे शीर्ष नेता, जिनको माना जाता है घोषित तौर पर राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह की तू तड़ाक की भाषा कर रहे हैं। मतलब यदि हम सामान्य बात में कहूं तो एक तरह से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। मोदी जी मुद्दे उठा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, लेकिन वो भाषा की मर्यादा उस लेवल पर नहीं ले जा रहे हैं जिस लेवल पर राहुल गांधी ले जा रहे हैं। यहाँ पर राशन, मुफ्त राशन का फैक्टर बहुत ज्यादा काम करेगा। लाडली बहना की क्या वाकई में उतनी लहर है जो विधानसभा में थी? इसमें कोई शक नहीं कि लाडली बहना की जितनी लहर विधानसभा में थी, इस समय थोड़ी सी कम है। और इस समय जो मुद्दे काम करेंगे, वो कोई एक मुद्दा काम नहीं करेगा। मेरी दृष्टि से इस बार लोकसभा की वोटिंग में 4-5 मुद्दे काम करेंगे। लगभग 50% मतदाता या तो मोदी जी के समर्थन में वोट करेगा या मोदी जी के विरुद्ध वोट करेगा। लगभग 10-15% मतदाता पार्टी की, इसके प्रति अगर आस्था है, उम्मीदवार की छवि और उसके काम को देख करके वोट करेगा। 10-15% मतदाता जो उसको व्यक्तिगत लाभ और हानि हो रही है, किससे उसको लाभ होगा किससे नहीं होगा, इसको लेकर के वोट करेगा। और 10-15% मतदाता ही भविष्य में भारत का स्वरूप कैसा होगा, भारत का निर्माण कैसा होगा, उस आधार पर वोट करेगा। मोटे तौर पर अगर हम देखें भी, आप अपने जीवन में खुद देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इस बात को देख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। घर में अगर 5 सदस्य है तो सबके विचार अलग होते हैं, उसी प्रकार सारे मतदाता किसी एक मुद्दे के समर्थन में या एक मुद्दे के विरुद्ध में नहीं जाएंगे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, उस पसंद के आधार पर वो वोट करेगा। आखिर कहाँ कहाँ पर टाइट फाइट नजर आ रही है? मंडला है, सीधी है, राजगढ़ में खुद अभी आने वाले समय में चुनाव है, दिग्विजय वहां से मैदान में है, पर किला फतह करने की बीजेपी के द्वारा लगातार बात भी की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई इतना आसान होगा 29 का जो लक्ष्य बीजेपी के द्वारा रखा गया है? छिंदवाड़ा है, राजगढ़ है, मंडला है ना, और अभी जैसे जहां जहां ट्राइबल एरिया को दोनों ही दलों ने काफी फोकस किया है। आपने देखा होगा कि शहडोल में नरेंद्र मोदी खुद स्वयं गए थे और राहुल गांधी भी वहां गए। इसी प्रकार जो है आप देखोगे कि ये मालवा के झाबुआ वाले बेल्ट में मोदी गए तो वहां राहुल गांधी भी गए, प्रियंका गांधी गई। तो ट्राइबल वोटर्स को इस बार टारगेट किया है दोनों ही दलों ने ज्यादा, तो इसलिए आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा में वोटिंग ज्यादा हुई है, शहडोल में ज्यादा हुई है, बालाघाट में भी ठीक ठाक हुई है, मंडला में ज्यादा हुई है। लेकिन अपवाद स्वरूप हम देखेंगे तो थोड़ा सा सीधी में वोटिंग कम है, रीवा में कम है ना। लेकिन वहीं अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में खजुराहो में वोटिंग कम होने का कारण ये लगता है मुझे कि वहां पे जो कैंडिडेट था वो, मतलब उसका नामांकन ही निरस्त हो गया, तो एक तरफा वाला हो गया मामला। टीकमगढ़ में जो है, जो वो है अपने वीरेंद्र खटीक, तो वहां वोटिंग ज्यादा हुई है, तो उस हिसाब से ये देख सकते हैं भाई, 6-8% का लगभग अंतर आया है पिछले 19 के और इस चुनाव में। तो ये 6-8% वोट से ये होगा कि वोट जो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा था वो कम हो जाएगा। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उन्होंने आखिर बारीकी से जो एनालिसिस किया था वो आपके साथ साझा किया, क्या क्या कहां पर रह सकता है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े और इस खास विषय पर आप सभी ने चर्चा की।